श्री गणेशाय नमः। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन के कारक है और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में छठे भाव में रहेंगे। इस दिन आप दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करें। आप इस समय में दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो सकते हैं। आपके अपनों से भी नाराज होने की संभावना रहेगी। आप अपनी फैमिली के साथ रहे, एंजॉय करें और अगर किसी चीज से परेशानी होती है तो उसे पूरे तरीके से नजरअंदाज करने की कोशिश करें। इस तरीके से आप दिन का पूरा आनंद उठा सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं निवेश ना करें और पैसों का लेन देन करना नुकसानदायक हो सकता है। दिन लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन किसी को प्रपोज करने के लिए ये समय ठीक नहीं है, तो थोड़ा रुक जाना ही बेहतर रहेगा। अगर किसी बात से पार्टनर से अनबन या झगड़ा हुआ है तो बढ़ने की संभावना रहेगी, तो शांति बनाए रखने की कोशिश करें। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को इस वक्त अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना है। आप ख्यालों में खो सकते हैं या फिर आपका मन भटक सकता है, बाहरी दुनिया की तरफ ज्यादा खिंचाव रहेगा, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पर ही पूरा फोकस रखना है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो कमर दर्द या पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है, सर्दी खांसी होने की संभावनाएं रहेगी, छोटी मोटी समस्याएं रह सकती है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी। इस दिन आप केसर या चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं तो आप शांत रहोगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आपके लिए हरे रंग का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और आपके लिए इस दिन 5 अंक लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।